नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है। गौरव कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप एक नरेगा में आप काम करते हैं, तो आप ये चेक करना चाहते हैं कि आप जो नरेगा में जो आप काम करते हैं उसका पेमेंट आपको आया कि नहीं आया, या आपका पेंडिंग में आपका क्या हुआ, पेंडिंग रिजेक्ट हुआ, या आपको क्या प्रॉब्लम है कि आपका पैसा आपके अकाउंट में नहीं आया, तो उसको आप कैसे चेक कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको सिखलाता हूँ कि कैसे आप उसको पैसा चेक करेंगे कि आपको रिजेक्ट हुआ है या पेंडिंग या पैसा आया कि नहीं आया जो नरेगा में आप जो भी आप काम करते थे। तो चलिए अब उसको सीख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको गूगल में आ जाना है दोस्तों, और मैं एक वेबसाइट आपको मैं बताऊँगा। ये वेबसाइट आपको यहाँ पर आपको लिंक में डाल दूँगा, जैसे क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ पर आ जाइएगा। उसके बाद यहाँ पर जाना है रिपोर्ट फॉर MIS पर, इस पर क्लिक करना है दोस्तों। इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा, थोड़ा सा खुलता है, थोड़ा सा लेट से खुलता है। फिर इसको कट कर दिए, फिर क्लिक करते हैं, देखिए खुलता है कि नहीं। देखिए खुल गया। आपको 17 में से 5 माइनस करने के लिए, कभी कभी आपको जोड़ कहता है, कभी माइनस करने के लिए कहता है, तो यहाँ पर आप दे देंगे 12। वेरीफाई कोड पर क्लिक करना है, जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको और पेज, एक और पेज खुलेगा। अपना फाइनेंशियल ईयर कौन साल का आपको देखना चाहते हैं, अपना स्टेट बिहार आप चूज कर लीजिए। यहाँ पर इस तरह से खुल जाएगा, और आना है आपको R8 में आना है। तो R8 में आ गए, यहाँ पर देखिए FTO स्टेटस रिपोर्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको पूरा यहाँ पर आपका डिटेल्स खुल के आ गया दोस्तों। आपको यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपका टोटल डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक आपको आ गया। तो यहाँ पर आपको देख रहे टोटल FTO जनरेटेड। तो आपको मेरा पास इस पर मैंने क्लिक करता हूँ। आप FTO से देखना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक, पहले पूरा आपको समझ लीजिए टोटल ट्रांजेक्शन। आपको 6 नंबर वाला मेरा ब्लॉक है, तो 1 2 3 4 5 6 ये वाला मेरा है टोटल ट्रांजेक्शन। टोटल आपको रिजेक्टेड यहाँ आपको दिखला रहा है, टोटल यहाँ पे प्रोसेस आपको नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आपको दिखला रहा है। तो आपको कैसे देखना होगा, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए टोटल वाला पर, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, तो फिर आपको एक पेज आपको और खुल जाएगा, देखिए खुल रहा है आपको। देखिए पेज आपको खुल गया, FTO ID से आपको देखना है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। FTO ID आप अपना जो भी आपको मिला लीजिए, और उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ पर आ जाएगा आपको बैंक नंबर। यहाँ पर देखिए आप जॉब कार्ड आ गया, आपको जॉब कार्ड से आप मिला सकते हैं, नाम मिला सकते हैं। यहाँ पर आपको देख लीजिए बैंक कोड, IFSC कोड, नंबर ऑफ, तो यहाँ पर देखिए क्रेडिट हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए अमाउंट, इसका प्रोसेस, जो प्रोसेस लिख किया था आपको समझिए कि आपको हो गया। इस तरह से आप चेक इसको कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, बैंक में मैं जा रहा हूँ दोस्तों, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको FDO से आपको मिला सकते हैं, ठीक है। फिर बैक में जा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए आपको ब्लॉक आ गया। तो यहाँ पूरा आपको समझ जाएगी कि टोटल FDO जनरेट, टोटल नंबर ऑफ FDO यहाँ पर देख लिए इस तरह से, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। इस तरह से देखिए, इस तरह से, तो यहाँ पर आप टोटल को आप देख सकते हैं। सीधे आप टोटल पर आ जाइएगा तो सबसे अच्छा होगा। टोटल पर आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, टोटल पर आप क्लिक करके भी आप टोटल को आप देख सकते हैं, टोटल पर आप क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। इसमें से आपको FDO ID आपको चूज कर लेना है, जो भी FDO ID है उस पर चूज करके आप क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको आ जाएगा उनका जॉब कार्ड नंबर आप अपना मिला के आप देख सकते हैं। इसमें आपको देखिए IFSC कोड, यहाँ पर देखिए प्रोसेस डेट, सब टोटल आपको इस तरह से आप इसको
देख सकते हैं कितना पैसा अमाउंट हुआ, यहाँ पर आपको पैसा आपको भी शो कर रहा है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं दोस्तों। तो आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।